मथुरा के बाद साजापुर में भिनाई जाने वाली प्राचीन कंस वधोत्सव की परंपरा का निर्वहन उत्साह से किया गया। देव व दानव बने कलाकारों में हुए वाकु युद्ध को सुनने हजारों लोग उपस्थित थे। पारंपरिक वेशभूषा में आए कलाकारों ने चुटीले संवादों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रात 12 बजे कंस के पुतले का भगवान श्री कृष्ण बने कलाकार ने वध किया। इसके बाद पुतले को सिंहासन से नीचे गिराया गया। यहाँ पहले से तैयार खड़े गौली समाज जन पुतले को लाठी और डंडे से पीटते हुए घसीटते ले गए। वह नई सड़क पर एक भवन का आयोजन 270वां वर्ष रहा। करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में हुए इस लोक नाट्य रंग मंच के कार्यक्रम के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आजाद चौक व कंस चौराहे के अलावा इस बार गवली मोहल्ले में भी वाकयुद्ध का आयोजन दिलचस्प रहा। परंपरा का यह 270वां वर्ष रहा कि छत पर पुतले के अवशेष बुराई के अंत के संदेश के रूप टांग दिए। इसके पूर्व देव व दानवों का जुलूस भी निकाला गया। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में जिले सहित आसपास के क्षेत्र के लोग भी पहुंचे। घमंड व अत्याचार के प्रति कंस के पुतले को एक सप्ताह पहले से ही कंस चौराहे पर बैठा दिया गया था। कंस के इस दरबार का विनाश आज दशमी के दिन किया गया। उल्लेखनीय है कि साजापुर शहर के सोमवारिया में कंस के पुतले को बैठा दिया जाता है। देश के मथुरा के बाद साजापुर में इस परंपरा का सैकड़ों सालों से इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। मथुरा के बाद साजापुर में करीब 269 वर्षों से यह आयोजन लगातार हो रहा है। आयोजन समिति के संयोजक तुलसी राम भावसार पदाधिकारी अजय उदासी बताते हैं कि आयोजन का यह 270वां वर्ष है। दशमी की शाम को देव व दानव की वेशभूषा में कलाकार तैयार हुए। इसके पश्चात देव व दानवों का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बालवीर हनुमान मंदिर से धान मंडी चौराहा किला रोड छोटा चौक होते हुए आजाद चौक में पहुंचा। यहाँ पर रात में देव व दानवों में चुटीले संवादों का वाक युद्ध हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे कलाकार देर तक वाक युद्ध करते रहे। चुटीले संवादों का लोगों ने लुफ्त लिया। रात को कलाकार आजाद चौक से सोमवारिया बाजार में कंस चौराहे पर पहुंचे। कंस चौराहा पर भी वाक युद्ध हुआ। गवली समाज जनों के पहुंचने पर वरिष्ठों का सम्मान किया गया। इसके पश्चात रात 12 बजते ही कंस वध किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में श्री कृष्ण बने कलाकार द्वारा कंस के पुतले का वध किया गया। सिंहासन से नीचे गिरते हुए पुतले को गवली समाज जन लाठियां भांजते हुए पीटते हुए घसीटते हुए ले गए। भगवान श्री कृष्ण के